अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई सीख बिरयानी, जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें ली है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें जो है प्रिपरेशन करके रखा है। ये मैंने चिकन जो है सीख बना कर रख दिया है, और इसे मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बिलिस्ता मैंने बनाकर गोल्डन ब्राउन करके रख लिया है, और जो है मैंने पटैटोज़ जो है 2 से 3 पटैटो इसे भी कट करके मैंने ये गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब जो हम राइस है, बासमती चावल मैंने लिया है 3 कप, जिसे मैंने भिगो कर रखा था, और इसे मैंने थोड़े से गरम मसाले के साथ में मैंने इसे 1 चिकन क्यूब्स डाल के उसे मैंने थोड़ा पका लिया है। थोड़ा सा कच्चा रह जाए फिर आपको जो है वो ड्रेन कर लेना है और उसे अलग से साइड में रख देना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने बाकी की ली है जो स्क्रीन पे शो हो रही है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने राइस जो है सोकिंग करके रखा था, उसके बाद में मैंने पैन में पानी बॉईल होने रखा है, और मैंने इसमें जब पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसमें जो है राइस ऐड कर लिया है। थोड़े से गरम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, थोड़े से ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है, लौंग है, ब्लैक पेपर है, नमक है, और चिकन का क्यूब है। इससे जो है चिकन का क्यूब का जो चावल में जो है एक फ्लेवर आ जाएगा। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे कच्चा पक्का थोड़ा रहने देना है, क्योंकि ये जो बाकी का जो है वो दम पे पकेगा। तो जैसे बिरयानी के लिए हम चावल के जो निकाल देते हैं उसी सेम वैसी सेम जो है हमें इसमें भी चावल उतना ही कुक कर लेना है। तो इसे मैं भी पकने के लिए रहने देती हूँ, और फिर बाद में इसे ड्रेन करके साइड में रख लूँगी, और हम जो है अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन कर देते हैं। ये देखिए, मैंने पैन पे गैस पे रख दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैंने इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा शाह ज़ीरा है, और ब्लैक पेपर है, और लौंग है, थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, और बे लीव्स मैं भूल गई थी वो भी है इसमें। इसे थोड़ा डाल देने के बाद थोड़ा सा ये पक जाए फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 ग्रीन मिर्ची, जिसे मैंने स्लिट कर लिया है। थोड़ा देर पकाएंगे हम, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, जो मैंने 2-2 चम्मच लिया है दोनों भी, और इसे तब तक के पकाएंगे जब तक के अदरक और लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो चली जाए। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है ये फ्राई किए हुए पटैटो। ये फ्राई करने में ही थोड़े से गल चुके हैं, और थोड़े जो है ये मसाले भूनने में ये गल जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम मेरा अभी भी हाई पे ही है। अब मैंने जो ये ऐड किया है ग्रीन चिली और गार्लिक का सॉस, 2 चम्मच मैंने इसे डाला है, छोटे छोटे चम्मच है, मतलब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हो, ज़्यादा कम। और मैंने अभी इसमें ऐड कर लिया है 1 कप दही, ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच, नमक आप इसमें ऐड कीजिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो फ्राई की हुई मैंने बिलिस्ता ऑनियन रखी हुई थी ये इसमें हम ऐड कर लेंगे, 2 ऐड कर लेंगे, और 1 जो है वो थोड़े से गार्निशिंग के लिए हम रख देंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, 1/2 कप से भी थोड़ा कम, और इसे मैंने ढक के पकने रख दिया है ताकि जो पोटैटो है वो पूरी तरीके से गल जाए। अब देखिए, ये मसाला अच्छे से भून चुका है, पूरा ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, और आलू भी जो है थोड़े गल चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर लेना है ये कैरेट और कैप्सिकम, जिसे मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है। आप चाहे तो इसे चॉप भी कर सकते हो, बट ये लंबे लंबे स्ट्रिप्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये चिकन का जो सीख हमने बनाया था ये भी हमने इसमें ऐड कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन सीख की रेसिपी जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी,
और ये चिकन सीख डालने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट्स के बाद गैस का फ्लेम बंद कर लेना है। अब जो है क्रीम की प्रिपरेशन करना है। क्रीम बनाने के लिए जो मैंने लिया है मेयोनीज लिया है, 6 चम्मच मेयोनीज है, कुकिंग क्रीम है जो 1 कप है, और 3 से 4 जो है चिकन क्यूब्स है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेना है और गैस का फ्लेम बंद रहना है। इसमें ये ध्यान देना है कि गैस बंद रहे, वरना आपका जो है ये मसाला फट सकता है। तो देखिए ये मिक्स करने के बाद इस तरीके से इतना अच्छा दिख रहा है, कैरेट दिख रहे हैं, कैप्सिकम दिख रहे हैं, और पूरी मलाई, चीज़ और मेयोनीज पूरा मिक्सचर है इसमें। अब थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर लीव्स, मिंट और थोड़े से बिलिस्ता, और हम इसमें लेयर डाल देंगे राइस का। तो हमारा राइस का लेयर मैंने ऊपर डाल दिया है अच्छे से। और अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने लिया है 2 चम्मच मिल्क, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। 1 से 2 चम्मच आप गरम मसाला का ले सकते हो, इससे जो है आपका बिरयानी का फ्लेवर बढ़ जाएगा। और ये मैं इसके ऊपर पूरे तरीके से डाल दूंगी, और उसके ऊपर मैं जो है मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, बिलिस्ता ये पूरा अच्छे से डाल के आधा या 1 नींबू का रस मैं ऊपर से डाल दूंगी, और इसे ढककर हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो जाने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और ये देखिए चिकन मलाई सीख बिरयानी एकदम से रेडी है। ये बहुत टेस्टी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी से बनी है। तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह फिर मैं फिर मिलती हूँ मेरी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ज़रूर ख्याल रखिए, दुआ में याद कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।